बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, मायावती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, मुलायम के लिए प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, मैनपुरी में रैली करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मायावती अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी और लगातार इसको लेकर जो नरमी बरतने की बात कही जा रही थी कि मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती नरमी नहीं बरतती नजर आ रही है, वो नरमी नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं अब वो स्थितियां भी दिखने लगी हैं। मायावती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, मुलायम के लिए प्रचार करेंगी अब बसपा सुप्रीमो मायावती, मैनपुरी में रैली करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। और ऐसे में अगर स्थितियां हम देखें तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अगर मायावती चुनाव लड़ती है तो वहां पर जो यादव वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं खिसक सकते थे, लेकिन अब चूंकि मायावती वहां नहीं लड़ेंगी, वहां मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पर यादव वोटर्स का खिसकने का डर भी अब नहीं है। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मायावती अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, मुलायम के लिए प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, मैनपुरी में रैली भी करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। और लखनऊ से ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजवीर जी, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती अब लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, इसके क्या कुछ मायने और बीजेपी के लिए कितना खतरा? बिल्कुल, देखिए मायावती को लेकर लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मायावती मैदान में आ सकती है और मायावती चुनाव लड़ सकती है। बाकायदे जो अटकलें लगाई जा रही थी वो ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की सीट से मायावती अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकती है, लेकिन अब ये साफ हो गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि मायावती लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। और जो दूसरी और महत्वपूर्ण बात है ये मनीषा की, कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, यानी सब कुछ संभव है। और आप देखिए कि कभी मुलायम सिंह यादव की धुर विरोधी रही मायावती, अब 19 अप्रैल को मैनपुरी में जहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रचार करेंगी, उनका प्रचार करने जा रही अखिलेश और मायावती की संयुक्त जो जनसभा है रैली है वो 19 अप्रैल को मैनपुरी में होगी। तो अपने आप में ये तस्वीर जो होगी, अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला जी, जिस तरीके से मायावती अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए आप कितना बड़ा खतरा मानती हैं? बीजेपी के लिए क्या मानती हूँ? खतरा बीजेपी के लिए कितना थ्रेट होगा ये? मतलब मायावती चुनाव ना लड़े, आपका प्रश्न है कि मायावती अगर चुनाव नहीं लड़ी तो बीजेपी के लिए खतरा होगा? जी, यही प्रश्न है। नहीं देखिए, ऐसा है कि मायावती चुनाव लड़े हैं ना लड़े क्या फर्क पड़ता है, उनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो स्वार्थ से भरी हुई आइडियोलॉजी है, मौका प्रस्ती की जो आइडियोलॉजी है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम करके, मायावती लड़े नहीं लड़े, उनका कोई कार्यकर्ता लड़े पैसे दे दे के ले लेके तो वो टिकट बांट रही है। तो उन्होंने सोचा था ना, एक सीट का नुकसान मैं क्यों करूँ, मैं 15 करोड़ का नुकसान क्यों करूँ। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना काम करती है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ इस देश का वोटर खड़ा हुआ है, मजबूती से हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेंगे। और जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 74 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी, तो मायावती अपना अलायंस में आ गई हैं, अखिलेश अलायंस में आ गए हैं, आपस में इनके वर्कर्स जुड़े हुए हैं, तो ये तो अपना साधना पूरी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया अनिला जी आपका हिंदी खबर से बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की लखनऊ से, जहां मायावती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और मुलायम के लिए प्रचार करेंगी मायावती, ये बड़ी खबर है। लेकिन इस पर जब बीजेपी का ये रवैया है, ये प्रतिक्रिया है कि मायावती चाहे चुनाव लड़े चाहे ना लड़े, इससे कोई भी फर्क बीजेपी को नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह साजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, अब बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव ना लड़कर मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार करेंगे, कितना फायदा आप लोगों को इससे मिलेगा? अब वो नरमी जो बात कही जा रही थी नहीं दिख रही है मायावती की तरफ से, वो नरमी अब दिखाई देने लगी है? ये खबर कहाँ से आई कि अभी बीएसपी सुप्रीमो चुनाव नहीं लड़ेंगी? ये भी तो कहीं तय नहीं हुआ है, अभी उनकी सूची नहीं आई है जी। ना उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची अभी जारी की है, तो हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है सुनील जी तो फिर बताइए, तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या स्थितियाँ देखने को मिलेंगी? वो क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर पहले से बात करना मुझे लगता है अपने आप में बेईमानी है।
अब पार्टी नेतृत्व क्या तय करता है कि हमारे नेता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मायावती जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, इन सब चीजों में एक बात कॉमन है कि हमारा गठबंधन हुआ है, ये स्वाभाविक गठबंधन है, और इस गठबंधन को लेकर के गांव-गांव बूथ-बूथ पर बड़े पैमाने पे खुशी है। और जो चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये नया गठबंधन नहीं है, इससे पहले भी माननीय नेताजी मान्यवर कांतिराम जी ने गठबंधन किया था, भारतीय जनता पार्टी को रोका था, उस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को रोका था, ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से समाप्त करेगा। जी बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हिंदी खबर से बातचीत के लिए। और लखनऊ से ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। राजवीर जी, जिस तरीके से, हालांकि अभी सपा जो है वो इस बात को आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई तो मान नहीं रही है, लेकिन अगर इस तरीके की जो खबर सामने आ रही है वो अगर सच है, इस तरह की पुष्टि अगर होती है तो कितना असर इसका राजनीति पर पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के जो अभी देखिए जिस तरह से बात कर रहे थे सुनील सिंह साजन जो प्रवक्ता है वो ये बात नहीं मान रहे। जाहिर सी बात है, वो पॉलिटिकल उनका जो स्टेटमेंट होगा वो पॉलिटिकल होगा, लेकिन जो हम लोगों के पास खबर है ये बात अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है मनीषा, कि मायावती लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। और जो दूसरी और अहम बात है, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब से बहुजन समाज पार्टी का पदार्पण हुआ, जब से मायावती ने बीएसपी की कमान संभाली, उसके बाद से लगातार यादव और जाटव ये दो वोट ऐसे रहे हैं जो एक दूसरे के एक आप इसको इस तरह समझिए कि नॉर्थ और साउथ पोल कहे जाते रहे हैं। अब मुलायम सिंह यादव के लिए आप देखिए कि खुद मायावती मैनपुरी जाकर प्रचार करेंगी, जनसभा करेंगी, रैली करेंगी, रैली में मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेगी, तो एक राजनीति का एक पहलू ये भी है, एक दृश्य ये भी है। ये देखिए कि तभी कहा जाता है। राजवीर जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, अब बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और वो मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार प्रसार करेंगी, मैनपुर में रैली भी करेंगी, ये कितना बड़ा खतरा आप लोग अपनी पार्टी के लिए मानते हैं? देखिए, गठबंधन हमारी पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो समान विचारधारा होगा जी। हमारे लिए जो खतरा है, हम खतरे के सामने खड़े हैं गोडसेवादी और गोवलकारवादी विचारधारा के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और कुनीतियों के खिलाफ। हम बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और नौजवान विरोधी सरकार से लड़ रहे हैं जी। लेकिन जिस तरीके से सुरेंद्र जी बातचीत चल रही थी कि अब अगर मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी और अगर उनकी जगह पर मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो यादव वोटर्स है उनका खिसकने का जो डर था वो भी नहीं रहेगा, तो यहाँ वोट बैंक तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गठबंधन में। उनको शुभकामनाएं, उनकी अपनी जगह पर है। हम विकास के मुद्दे पर, आरटीआई के मुद्दे पर, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा सहित तमाम लैंड एक्विजिशन बिल के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम यूनिवर्सल बेसिक स्कीम पर चुनाव लड़ेंगे, किसान की बेहतरी के लिए चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि जनता कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करेगी जी। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी आपका हिंदी खबर से बातचीत के लिए। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं। राजवीर जी, आप कुछ कह रहे थे जिस तरीके से इसका क्या कुछ असर राजनीति पर पड़ने वाला है और क्या समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? देखिए, इसे एक माहौल जरूर मनीषा बनेगा, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि 19 अप्रैल को जो जनसभा है वो मैनपुरी में होगी और उस जनसभा में अखिलेश यादव और मायावती दोनों लोग उस जनसभा को संबोधित करेंगे और मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगे। तो कभी आप देखिए कि कभी राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, यानी कि एक दूसरे का विरोध करके ही लगातार चुनाव जीतते रहे मुलायम और माया। अगर ऐसे में जब स्थिति ये होती है कि मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेगी तो जाहिर सी बात है इसको लेकर एक प्रदेश में एक माहौल बनेगा। और जो दूसरी बात निकलकर सामने आ रही थी कि सपा बसपा के अलायंस में क्या एक दूसरे को वोट शेयर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, एक सकारात्मक मैसेज जाएगा बसपा की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। तो ये एक दोनों दलों के लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि अगर मायावती रैली करती है तो उसका एक इम्पैक्ट, एक प्रभाव जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर पड़ेगा। मनीषा जी, राजवीर जी, आप हमारे साथ बने। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।